तो भाई क्या हाल चाल, उम्मीद है बढ़िया भाई, जा रहा हूँ मस्त रहो, मौज करो, खूब पैसे कमाओ। केवल भाई देखो, हमारे नॉलेज प्रेडिक्शन ज्ञान और टिप्स, एक बात बता दूं भाई, जो हमारे यूजर, जो हमारे भाई, जो हमारे मेंबर्स, कुछ भी हो सकते हो भाई। यहाँ पे देखो हमारा आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा हूँ, तो भाई ज्वाइन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। मेरी आपको लॉस, मेरा प्रॉफिट, मेरा प्लेयर प्रेडिक्शन, मतलब ऑल स्टेटस आपको इसी टेलीग्राम मैप पे आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ज्वाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। अगर यहाँ से आप लोग को नहीं समझ में आया तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, वहां से ज्वाइन होकर देख लो एक बार भाई। अरे भाई एक बार देख लो, बता रहा हूँ, जब तक इंडियन फैंटेसी जीतता है तुम्हारे लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। तो बस एक बार भाई ज्वाइन करके देख लो आप भाई, देख लो हम आज कौन कौन से बात करने वाले, किस क्या बात करने वाले। यहाँ देखो देखो भाई, फर्स्ट T20 मैच भाई किसके बीच में हो रहा है? फर्स्ट T20 मैच लड़कियों का भाई, लड़कियों का फर्स्ट T20 मैच स्टार्ट हो गया। मौज कर लो, पैसे कमाना है। तो देखो भाई इधर देखो, टीम किसके किसके बीच में हो रहा है फर्स्ट T20 मैच भाई? देखो इंग्लैंड वीएस न्यूजीलैंड के बीच में हो रहा है। तो भाई आज की वीडियो में हम आपको क्या क्या बताएंगे, तो भाई इधर देख लो भाई, प्लेइंग 11 टीम न्यूज बता देंगे, ठीक है, पिच रिपोर्ट बता देंगे कि भाई आपके दिमाग में ऐसा फिट कर देंगे, हाँ भाई पिच ऐसा है, ऐसा कंडीशन है भाई, अब बस आपके दिमाग में पैसा ही पैसा आ जाएगा। तो फिर इधर देख लो भाई, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में हम बताएंगे, कौन सी टीम मजबूत है और कौन सी टीम कमजोर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इधर देख लो भाई, प्लेयर प्रेडिक्शन भाई, प्लेयर के बारे में अपना ओपिनियन दे दूंगा कि भाई किस प्लेयर के ऊपर 25 रन का सीजन यस कर रहे हैं, उसकी प्लेयर के ऊपर 25 रन का सीजन नो कर रहे हैं, इसके बारे में मैं अपना क्या दे दूंगा, प्रेडिक्शन कर दूंगा। फिर इधर देख लो भाई, वाइस कैप्टन और कैप्टन के भी बारे में हम आपको बेस्ट चॉइस देंगे, आप इसको करना इसको करना, बस वीडियो को देखना, ठीक है। इधर देख लो भाई, टॉस प्रेडिक्शन भी आज के मैच में हम आपको देने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में आज जो कौन है टॉस जीतने वाला। तो चलो भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में, इंग्लैंड के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। चलो भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में, इंग्लैंड के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। भाई देखो इंग्लैंड की क्या प्लेइंग 11 आने वाली, भाई देखो ईमा लैम्ब मेधा वेलियर, स्पीक ग्रासी, सर्विस फ्रेगा, कैम्प, भाई देखो भाई ग्रेस एरिया, एडम्स, फिर भी देखो भाई पिगल सचिन देवफील्ड, भाई नाम ऐसा है ना भाई, नाम पढ़ने में टट्टी निकल जा रही है भाई, क्या ही बताएं इंग्लैंड का लड़कियों का नाम भाई। चलो भाई पढ़ते हैं, इधर देख लो भाई क्रिविस्ती ग्रोडॉन, इधर देख लो भाई सोफाइली मुनरो और टेंस प्रांटो और हरमन बेकर गैरेसी पोटेल, ये होगी हमारी कौन सी इंग्लैंड के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। भाई देखो एक दो प्लेयर के बारे में बता दे रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ, भाई देखो हम बता देते हैं इसको, जो मधे वेलियर्स भाई जो प्लेयर है ना भाई, बढ़िया कॉन्स्टेंसी मेंटेन प्लेयर है, ज्यादा रिस्क नहीं लेती, बॉल को ज्यादा हवा में नहीं मारती, मतलब बोल सकते हो क्या टेक्निकली प्लेयर है, जो क्या बोलते हैं क्या करती है, मतलब क्या बोलते हैं सिंगल और डबल ऐसे गेम को चलाते रहती है। तो भाई ये क्या है, नॉट रिस्की प्लेयर, कौन है माध्याल विलियर्स। तो भाई बोलूंगा आज के मैच में ये क्या रहने वाली है, इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली, ठीक है। ये देख लो भाई गैरी सर्विस, फिर फ्रेगा कैंप, भाई फ्रेगा कैंप भी बोलूंगा मोस्ट पिक रहने वाले, ये भी बढ़िया कॉन्स्टेंसी मेंटेन प्लेयर है, ठीक है, बढ़िया खेलती है और खूब रन बनाती है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, इंग्लैंड के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में थोड़ा ज्ञान दे दिया। अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। किसके बारे में, न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। देखो भाई प्लेइंग 11 क्या रहने वाला, भाई देखो ब्रेंडमैन ब्रेजविल डेंटवेट, भाई क्या ही बोले भाई, नाम इतना डिफिकल्ट है ना भाई, नाम पढ़ने में हालत खराब हो जाए। तो भाई लोग आप खुद पढ़ सकते हो भाई, पढ़ लो, मैं भी सुना दूंगा लेकिन इधर एक बार देख लो, पढ़ लो। चलो भाई मैं ही कोशिश करता हूँ भाई, देखो फोल्ट्रा डेविन सीर कार्टोल एंडरसन, भाई कार्टोल एंडरसन, भाई आगे बताता हूँ वीडियो में, कार्टोल एंडरसन, लियांग निगांग, केसिपकर, हाइलोनिया जॉनसन और मेलिंग फॉलवुड, कार्डोलिया ग्रेस, इधर देखो भाई फिर ग्रेसेरिया पेन पेरी कॉटन और माइकेलिया गैरिस, इधर देख लो भाई सोचा सियर्सन, ये हमारी कौन सी हो गई भाई, हमने न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में बता दिया। लेकिन भाई बढ़िया पिक देख लो कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक रहने वाले, बोलूंगा कोटी एंडरसन आज के मैच में इम्पोर्टेंट और मोस्ट पिक रहने वाले, बोलूंगा भाई पर ट्रम्प कार्ड बना सकते जिसको कोटी एंडरसन की भी भाई बढ़िया मैच, मतलब जिम्मेदारी वाली प्लेयर है, ज्यादा क्या बोलते हैं मतलब बढ़िया खेलती है, बस इतना जानो, आपको पॉइंट देगी, रिस्क नहीं लेगी और आपको पैसे भी कमा कर देगी। देख लो भाई यार समझ लेना, तो माफ करना भाई अगर थोड़ा मैं गलत पढ़ दिया हूँ नाम हम तो, ठीक है, इधर देख लो भाई समझ लेना। अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में, इम्पोर्टेंट भाई, इम्पोर्टेंट क्या होता है आप जानते ही हो, पिच रिपोर्ट, भाई वहीं से हमको तो खजाना मिलता है। पिच रिपोर्ट जान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों मैच जो खेला जाए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, बल्लेबाज को मदद मिल रहा है, गेंदबाज को मदद, बस वहीं से सब खेल स्टार्ट है। तो चलो जान लेते सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में, किसके बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में। भाई देखो जो मैच खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड वीएस
इंग्लैंड के बीच में फर्स्ट T20 मैच, तो भाई देखो किस पिच पे हो रहा है, तो भाई न्यूजीलैंड के पिच पे हो रहा, मतलब न्यूजीलैंड के घर पे हो रहा है। तो भाई न्यूजीलैंड की पिच कैसा बिहेव करती है, तो भाई देखो यह पिच बल्लेबाजों के लिए मानी जाती है, मतलब यह जो पिच है क्या है भाई, बल्लेबाजों के लिए मानी जाती है। ठीक है भाई, यह बात समझो। फिर देखो इस पिच पर दोनों पारी में आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलता है, मतलब यह पिच भाई अभी पहले जो बोल रहा हूँ सुन लो फिर अच्छे से समझा दूंगा। इधर देख लो भाई, यह पिच पर अच्छा स्कोर, अच्छा देखो भाई सॉरी भाई देखो यह पिच पर अच्छा पेस और बाउंस दोनों देखने को मिलता है। ठीक है इस पिच पर, फिर इधर देख लो भाई, इस पिच पर स्पिनर को कुछ खास मदद नहीं मिलता है भाई, मतलब स्पिनर को कुछ मदद नहीं मिलता। फिर इधर देखो इस पिच पर पहली पारी बल्लेबाजी करना आसान का भाई। अब देखो समझो भाई, जो ये पिच है कौन सा भाई, न्यूजीलैंड की जो पिच है क्या भाई, बल्लेबाजों के लिए मानी जाती है भाई, जो पिच है बल्लेबाजों के लिए मानी जाती है। इस पिच पर आपको दोनों ही पारी, मतलब फर्स्ट इनिंग में और टू एंड इनिंग में आपको दोनों ही पारी में क्या आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा, मतलब अच्छा एकदम रन बराबरी टक्कर का मुकाबला रहता जाना। इधर देख लो भाई, इस पिच पर आपको अच्छा पेस और उछाल देखने को मिलेगा, जिसके कारण तेज गेंदबाज को मदद मिलेगा। ठीक है, और इधर देख लो भाई, इस पिच पर स्पिन गेंदबाज को कुछ खास मदद नहीं मिलता, मतलब इस पिच पर स्पिन गेंदबाज को मदद ना के बराबर मिलता है। ठीक है, फिर इधर देख लो भाई, इस पिच पर पहली पारी बल्लेबाजी करना बेहद ही आसान काम है। ठीक है, समझ लिए, ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, न्यूजीलैंड के पिच रिपोर्ट के बारे में। अब भाई तुम पूछोगे भाई, जो न्यूजीलैंड का पिच है अभी तक इस पे T20 मैच कितने खेले गए और कौन कितनी बार मैच को जीत दर्ज किया और कौन कितनी बार मैच को हारा हुआ है। तो चलो भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, भाई देखो स्कोरिंग पैटर्न भाई, अभी तक इस पिच पर जो ये मैच खेला जा रहा है भाई, देखो टोटल मैच कितने, पांच मैच, कौन से मैच खेले गए भाई, देखो T20 के, कौन से भाई, T20 के पूरे टोटल मैच कितने खेले गए, पांच मैच खेले अभी रिसेंट के, अभी मैं जल्दी के बता रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई टोटल पांच मैच खेले गए, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट वन करने वाली टीम ने मैच को कितनी बार जीत दर्ज किया, तो भाई मैच को तीन बार जीत दर्ज किया हुआ एकदम इजी से। ठीक है, और इधर देखो भाई बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने मैच को कितनी बार जीत दर्ज किया हुआ, दो बार, तो इससे भाई ये एक बार ज्यादा जीत दर्ज किया हो, तो इससे क्या पता जो भाई ये पीछे क्या बैटिंग पीछे। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। फिर देख लो भाई फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर भाई, इस पिच पर पहले इनिंग का पारी एवरेज स्कोर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो भाई देखो 154 रन भाई, 154 रन आप स्कोर मान सकते हो। अगर 154 के ऊपर अगर आपको कितना रन भी पूछ ले, कितना 20 ओवर में, तो बोलूंगा पहले तो भाई बोलूंगा 150 से कितना भी रन का सेशन दिखाए, मान लो 150 से 54 है, तो मान लो 150 145 रन का कोई भी सेशन दे 20 ओवर में, तो मैं बोलूंगा आप सेशन इसमें यस कर रहा हूं। अगर 154 के ऊपर, मतलब 155 160 170 के ऊपर कोई भी सेशन अगर इन तीनों के ऊपर दिख गया, तो आप सेशन सीधा नो मारना, इस पे पैसे कमा लेना, यस और नो मार के। ठीक है, अब इधर देख लो भाई टू एंड इनिंग एयर उसको भाई, जो टीम दूसरे इनिंग बैटिंग करने आई वो लगभग कितने रन तक मार देगी, तो 146 रन तक आपको देखने को मिलेगा रनिंग चेस के। तो भाई ये पिच जो है ना भाई, क्या है, दूसरी पारी पहली पारी दोनों में रन बनते हैं। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। इधर देख लो भाई इस पिच पर हाईएस्ट टोटल स्कोर भाई, इस पिच पर सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है भाई, देखो अभी तक टी ट्वेंटी केवल पांच मैच खेले गए, जिसमें से भाई एक मैच ऐसा रहा है सबसे हाईएस्ट स्कोर रहे हुए, कितना 219 रन पे 7 विकेट। और भाई ये देख लो लोवेस्ट टोटल स्कोर, इस पिच का सबसे लोवेस्ट स्कोर कितना रहा है, 141 रन पे 10 विकेट होगा, ये हमने आपको बता दिया हाईएस्ट लोवेस्ट। ये देख लो भाई स्कोरिंग पैटर्न ही पूरा ज्ञान दे दिया। अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। चलो भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। भाई देखो अभी तक इंग्लैंड ने हेड टू हेड बताओ रिसेंट में बता रहा हूँ 8 मैच लगातार जीत दर्ज किया, वहीं पर न्यूजीलैंड ने मैच को 2 बार जीत दर्ज किया, इससे क्या पता चलता है भाई, साफ साफ पता चलता है कि जो ये इंग्लैंड है ना भाई 6 बार मैच को ज्यादा जीत दर्ज किया, इससे क्या है ज्यादा मजबूत टीम है कौन, इंग्लैंड। तो भाई ये देखो मैं आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार चीज लेकर आया हूँ, क्या भाई देखो ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन। भाई देखो ये दो लाइन में ड्रीम इलेवन मिनी प्रेडिक्शन आज के आप कमा सकते हो। भाई देखो आज के मैं बोलूंगा इंग्लैंड टीम, सो देखो भाई पढ़ लो एकदम ध्यान से, देखो भाई इंग्लैंड टीम है सुपर देन न्यूजीलैंड, सो ट्राई टू पिक मोर प्लेयर इंग्लैंड। भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, देखो ये जो टीम है कौन, इंग्लैंड जो टीम है क्या है, न्यूजीलैंड से क्या ही बहुत मजबूत टीम है, बहुत ऊपर टीम है, तो टीम बनाते समय क्या करोगे, ट्राई करोगे, सो ट्राई टू पिक मोर प्लेयर इंग्लैंड, मतलब आप देखो टीम बनाते समय 7 और 4 का कॉम्बिनेशन करोगे, या तो मैं बोलूंगा अब 7 प्लेयर जो रहेगा वो किसके रहेगा, इंग्लैंड के रहेगा, या तो भाई 4 प्लेयर जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, न्यूजीलैंड के रहेंगे। ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में बता दिया, ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन के बारे में थोड़ा कुछ ज्ञान, थोड़ा टिप्स दे दिया। ठीक है, अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में, लेते हैं किसके बारे में, प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में। भाई देखो इंग्लैंड का कौन किस बैटर के ऊपर आप क्या करोगे, 25 रन का सीजन आप यस करोगे, किस बैटर को 25 रन सीजन आप नॉट करोगे, इसके बारे में जान लो। भाई देखो आज के मैच में बोलूंगा मेडा विलियर्स अगर आज ये 5 बैटिंग कर गई या फिर दोनों इनिंग बैटिंग कर, डज नॉट मैटर, आप इस पे क्या करोगे, कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ कोई रिस्क ना लेके आप दोनों इनिंग में
25 रन सीजन इस पे आप क्या कर सकते हैं, यस मार सकते हैं। देखो गैरी सेविल आज के मैच में बोलूंगा ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गई तो आप इसे 25 रन का सीजन यस करना। अगर बाय चांस मान लो दूसरे इनिंग में बैटिंग करती है तो इस पे भाई 25 रन का सीजन आप सीधा इनो मार दे, ठीक है। सीधा देखो लो एम्बा लैम्ब आज के मैच बोलूंगा फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गई तो 25 रन सीजन यस, और दूसरे इनिंग बैटिंग कर गई तो 25 रन सीजन आप इस पे नो मार दे, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया किसके बैटर के बारे में। अब भाई देखो बॉलर के बारे में, इंग्लैंड का कौन सा बॉलर है जो कि आज के मैच में 2-3 विकेट ले जाने वाला, तो भाई देखो टेंस फॉर हैंड्स आज के मैच में ये 2-3 विकेट ले जाते हुए नजर आए। ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, इंग्लैंड के प्लेयर पेडिशन के बारे में नॉलेज दे दिया। अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, न्यूजीलैंड प्लेयर पेडिशन के बारे में जान लेते हैं किसके बारे में, प्लेयर पेडिशन बैटर किस बैटर के बारे में, भाई न्यूजीलैंड का कौन सा बैटर के ऊपर यस करना सीजन, किसको नो करना इसके बारे में जान लो। भाई देखो आज बेंजामिन फ्रेंजॉल डॉन्ट आउट आज के मैच में बोलूंगा अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गई या फिर दूसरे इनिंग बैटिंग कर गई दोनों इनिंग में तो 25 रन सीजन इस पे आप यस मारना। अब इधर देख लो भाई फॉलोअर पिगो शेयर आज के मैच बोलूंगा ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गई तो 25 सीजन यस, अगर दूसरे इनिंग में बैटिंग करती है तो 25 रन सीजन आप इस पे नॉट मार देना। किस पे फॉलोअर शेयर में भाई देखो कोटे एंडरसन आज के मैच बोलूंगा अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गई तो इस पे भी 25 रन सीजन यस, दूसरे इनिंग बैटिंग कर गई तो 25 रन सीजन आप इस पे नॉट मार देना। इधर देख लो भाई बॉलर के बारे में, किस बॉलर के बारे में, भाई देखो न्यूजीलैंड की कौन सा बॉलर जो की आज के मैच में आपको 2-3 विकेट ले आता हुआ नजर आएगा, तो देखो पूरी कॉटन आज के मैच में आपको 2-3 विकेट ले जाती हुई नजर आएगी। अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। चलो भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में, द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। भाई देखो आज के मैच में 4 प्लेयर इंपॉर्टेंट लेके आया, तो भाई 4 प्लेयर इंपॉर्टेंट देखो भाई मेडा विलियर्सन टॉस फॉर गोटन्स भाई देखो कोटा एंडरसन और फ्लॉर्सन आज की मैच भाई 5 प्लेयर इंपॉर्टेंट, मैं तो बोलूंगा मेडा विलियर्सन आज की मैच में बिना कोई डाउट के आप इसको कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मैं खुद ट्राई करूंगा। फिर देख लो भाई टॉस फॉर गोटन्स कॉरिस एंडरसन भाई ये क्या है ऑलराउंडर का रोल करती है, बैटिंग से बॉलिंग से आपको पॉइंट देगी तो भाई इसको मैं कर दूंगा वाइस कैप्टन, आप देख लो भाई मौज काट लो। अब भाई तुम चलो देख लो भाई समझ लेना। अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में, आज का टॉस और मैच कौन जीतेगा, तो भाई देखो जो ये टॉस है और ये मैच है भाई दोनों ही मैं बोलूंगा इंग्लैंड जीतने वाला, ठीक है इंग्लैंड। तो भाई चलो आज के देख लो मौज काट लो। चलो भाई आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए मजेदार ताजी फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम लव यू ऑल टेक केयर।